ये क्या हुआ भाई, ये डंका कैसे फूट रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं, अपने विदेश मंत्री साहब, कि रूस से हमारे को डर लगता है रूस से। इसलिए 8 महीने के अंदर दूसरी बार रूस गए हैं भारत के प्रधानमंत्री साहब। पहली बार गए थे तो यूक्रेन पर अटैक करके दिखाया था, ये देख हम ये कर रहे हैं, तू बोल रहा है तू युद्ध रुकवा रहा है। जयशंकर साहब बोल रहे हैं हमारे को डर लगता है रूस से डर लगता है। कमाल ही हो गया। चिंटू तो यहां पे बोल रहे हैं कि डंका बज रहा है, देखो कैसा स्वागत हो रहा है रूस के अंदर प्रधानमंत्री साहब का, क्या हो रहा है। लेकिन रूस जाने से पहले ना प्रधानमंत्री साहब ने विदेश मंत्री साहब के साथ काफी देर तक बात की थी। यार डर तो लग रहा है, जात हो रहे हैं लेकिन डर लग रहा है। उसका नहीं पता वो क्या करेगा, पुतिन है वो, पुतिन हो या अपना वो कोरियाला ना के किम जोंग, ये दोनों आदमी दूसरे टाइप के हैं मेरे भाई। ये कुछ करते हैं ना वो दिखाते नहीं, ना दिखाते ना बताते, इन कार्रवाई कर देते हैं। रूस रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा लगा के अमेरिका ने डाउन कर रखा था। अब रूस को चाहिए भाई अपना बिजनेस बढ़ाना है तो रूस को एक कुछ तो चाहिए। और आपके एक चीज बताई थी आप लोगों को, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है इंडिया, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है इंडिया, और इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है चाइना। अब रूस चाइना से भी दोस्ती कर रहा है इंडिया से भी, इंडिया रूस से भी दोस्ती कर रहा है चाइना से भी, भूल गए शायद, फिर याद दिलाते हैं। अब जयशंकर साहब ने जो बोला वो थोड़ा ध्यान से सुनना चिंटू, तुम्हारे को ना और भी बहुत कुछ बताएंगे। जयशंकर साहब को एक तो भरोसा है, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा अगर आप यूरेशिया भूभाग को देखें तो रूस चीन और भारत तीन बड़े देश हैं, तीनों देशों के आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, रूस हमारे लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक है। एस जयशंकर ने बता दिया कि रूस ऐतिहासिक जियो पॉलिटिक्स सामरिक और आर्थिक रूप से भारत के लिए क्यों जरूरी है। 24 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तब से पश्चिमी देशों का दबाव था कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित करे, लेकिन भारत पश्चिम के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया और रूस के साथ संबंधों को और विस्तार दिया। रूस और भारत ने 2030 तक 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस लक्ष्य के बारे में भी। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 65.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया था पिछले वर्ष 2024। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में यह साल दर साल 33% की वृद्धि हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले रूस भारत का द्विपक्षीय व्यापार में 10.1 अरब डॉलर था। यूक्रेन पर हमले से पहले दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी तब शुरू हुई जब रूस ने भारत को फरवरी 2022 के बाद डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया। डिस्काउंट पर तेल मिला था और यहां पर कितना महंगा दिया था यह भी सबको पता है। रूस से भारत के बढ़ते व्यापार को लेकर पश्चिम के देश आपत्ति जताते रहे लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब बताते भारत का डर क्या है, किस डर से भारत रूस के साथ दोस्ती कर रहा है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। रूस भारत के लिए अहम है लेकिन रूस को लेकर भारत का एक डर भी है। डर है रूस का चीन के करीब जाना। एस जयशंकर ने यह बात कही कि रूस एशिया की तरफ झुक रहा है, ऐसे में रूस के पास एशिया में क्या विकल्प नहीं होने चाहिए। यानी जयशंकर के मन में यह भी डर है कि रूस का एशिया की ओर झुकना चीन की तरफ झुकना ना बन जाए। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के हितों के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। एक तरफ चीन से दोस्ती, दूसरी तरफ चीन से डर, एक तरफ रूस से दोस्ती, दूसरी तरफ रूस का डर कहीं चीन की तरफ ना झुक जाए। कमाल ही हो रखा है। रूस और चीन की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से भारत की चिंता बढ़ती है तो यह बहुत ही स्वाभाविक है। रूस और चीन के बीच बढ़ते द्विपक्षीय दौरे, बढ़ता ट्रेंड और बढ़ती साझेदारी पर भारत चुप नहीं रह सकता। रूस की साझेदारी केवल चीन से ही नहीं, एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से भी बढ़ रहा है। ध्यान से सुने आपने, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, और तीनों के साथ संबंध कैसे हैं सबको पता, बताने की जरूरत नहीं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैप्पी मोन जैकब अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर है। 14 जुलाई को जैकब ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था रूस का भारत के पड़ोसियों से साझेदारी बढ़ेगी तो इसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से चीन को मिल सकता है। इसे दूसरे रूप में देख सकते हैं, अगर रूस और चीन भारत के पड़ोसियों के साथ सक्रियता बढ़ाते हैं तो इससे भारत के हित प्रभावित होंगे। डरअसली पाकिस्तान वाला है। जैकब ने लिखा अगर व्यापक रूप से देखें तो रूस भारत संबंधों पर चीन का अजीब असर है। चीन के कारण भारत रूस से दूर नहीं जाता है। भारत को लगता है अगर रूस से उसकी दूरी बढ़ी तो कहीं पुतिन पूरी तरह से चीन के साथ ना हो जाए, और चीन के कारण ही भारत रूस पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत को लगता है अगर चीनी चुनौती बढ़ी तो अन्य साझेदारों का होना जरूरी। भारत के खिलाफ चीन के आक्रमणता के मामले में रूस कितना साथ देगा इसे लेकर भारत खुद को आश्वस्त नहीं कर सकता। मतलब इनको भरोसा ही नहीं है कि चीन मामले में रूस इनका साथ देगा।
भारत को डर के और भी कारण है। भारत बार बार आश्वस्त करता रहता है कि अमेरिका के साथ उसके करीबी रूप के रूस के हितों के खिलाफ नहीं जाएगी, जो रूस से करीबी हो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगी। भारत ने रूस के मामले में रेड लाइन बना ली है और इसका नतीजा है कि यूक्रेन पर हमले के मामले में भारत ने रूस की निंदा की थी, वहां जाने के बाद फिर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ रूस ने भी चीन के साथ बढ़ती दोस्ती के बावजूद भारत से करीबी टूटने नहीं दी। रूस को लंबी अवधि के लिए चीन से चुनौतियां मिल रही है, लेकिन तात्कालिक फायदे के लिए रूस उन चुनौतियों की अनदेखी कर रहा है, अपना फायदा देख रहे, सभी देश अपना फायदा देखते हैं। दूसरी तरफ भारत लंबी अवधि के लिए अमेरिका से हितों को देख रहा है, लेकिन रूस से तात्कालिक फायदा है। जिस तरह भारत ने रूस को लेकर अमेरिका से अपनी हद तय की है, उसी तरह रूस से भी भारत के मामले में चीन से हद तय की है। इनकी तो ये तो होगी इनकी हदों की बात। 2023 में चीन और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 240.1 अरब डॉलर का था, रूस और चीन का। ये 100 अरब डॉलर का सोच रहे हैं कभी होगा तो उनका 240.1 अरब डॉलर का। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से यह रिकॉर्ड द्विपक्षीय कारोबार था। 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 146.89 अरब डॉलर का था और यह अपने आप में रिकॉर्ड था। 2014 में चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार महज 95.3 अरब डॉलर का था, जो इनका आज तक नहीं हो पाया। भारत और रूस के 65 अरब डॉलर की तुलना में चीन और रूस के 240 अरब डॉलर बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में भारत के लिए चुनौती और बड़ी हो गई, रूस को अपने साथ कैसे बनाए रखे। चीन और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में रूस वाला भरोसा नहीं है। इसके बावजूद चीन और अमेरिका से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार का है। दूसरी तरफ रूस के साथ भारत का भरोसा ऐतिहासिक रहा है, लेकिन 2021 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार महज 10 अरब डॉलर का था, महज 10 अरब डॉलर। अभी जो व्यापार बढ़ा है उसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए व्यापार का आकार बढ़ा है और तेल खरीद रहा है सस्ता और यहां बेच रहा है महंगा। अब तुम्हारे को बताते हैं बड़बोलेपण में और काम करने में क्या फर्क होता है। जब देश पूरी दुनिया में महामारी आई थी ना, तो कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हर एक परिवार को $2,000 पर मंथ देता था और यहां पर 5 kg अनाज देता था और बदले में टैक्स लेता था। हम टैक्स देते हैं सरकारों को ताकि जब मुसीबत आए देश के ऊपर तो सरकार उसका उपयोग करे जनता की भलाई के लिए। कहां उपयोग हो रहा है, कोई 10,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, कोई 20,000 करोड़ लेकर भाग जाता है। कभी आपने सुना अमेरिका से कोई इतने पैसे लेकर भाग गया, कनाडा से भाग गया, ऑस्ट्रेलिया से भाग गया? पता है क्यों? क्योंकि वहां पर चोरों को नहीं पाला जाता, यहां पर चोरों को पाला जाता। अब दो बड़े चोरों को पाला जा रहा है, अंबानी अडानी। जिस दिन भाग जाएंगे ना, लंका लग जाएगी जिस दिन भी अंबानी अडानी भाग जाएंगे। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम अपना गोबर खाओ, मूत पियो, मस्त रहो, तुम्हारे को 5 kg अनाज मिलता रहेगा। तुम्हारी औकात इतनी है और उनकी औकात इतनी है कि वो पर मंथ $2,000। और क्यों अमेरिका और कनाडा में क्यों जाते हैं, अपने परिवार को क्यों बुलाते हैं? वहां पर है ना बुढ़ापा पेंशन $1,500 पर मंथ है, $1,500। और यहां पे कितनी है, ₹2,000 में खुश हो जाते हैं। ₹2,000 कर दिए भाई, $1,500 का और 2,000 से तुलना करना तुम्हारे को पता लग गया बुढ़ापा पेंशन क्या होती है। वहां पर डॉक्टर की सुविधाएं फ्री है, डॉक्टरी सुविधाएं। यहां पे है क्या फ्री? यहां पे लूटा जाता है। ये फर्क होता है डेमोक्रेसी में और लुटेरेक्रोसी में। यहां पर लुटेरेक्रोसी चलती है, लूटते हैं ये। आपकी क्या राय, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।